सो हैप्पी दीपावली गाइस। ये वीडियो शायद एक दो दिन बाद मिले आप लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग के लिए। अभी भी मैं कॉलेज के पीछे वाले गेट से आ रहा हूँ। सो दीपावली में आज खास क्या है? खास तो पढ़ाई चल रही है अच्छी खासी, ठीक है। और आज क्या है, मुझे थोड़ा इंतज़ार, आज थोड़ा जल्दी मैं एक्चुअली निकल गया। अभी भी उजाला है, अदरवाइज़ मैं 8 बजे लाइब्रेरी से निकलता हूँ। 8 बजे लाइब्रेरी बंद होती है, ठीक है। कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। भाई एक्सेलेंट कॉलेज है यार, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मतलब देखो, पढ़ने वाला कोई हो ना, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, चाहे मैंने इंडिया में जो पढ़ाने का सिस्टम देखा है ना, और फिर आप यहाँ पे जो सिस्टम देखते हो, वाह। मतलब जैसे पर्सनल ट्यूशन होता है ना इंडिया में, मैं आपको बताऊं, जो स्कूल में तो छोड़ो, अभी मरीन वाला मैं बता रहा हूँ, जो बंदा जो कैप्टन पढ़ा रहा है स्कूल में, मतलब जो कॉलेजेस में, वही फिर पर्सनल ट्यूशन के लिए भी कहता है कि तुम ट्यूशन कर लो तो सब बता दूंगा, सब सही से समझा दूंगा वहाँ पे। मतलब कॉलेज में नहीं बताएंगे, अलग से पढ़ोगे तब बताएंगे, 50,000 खर्च करके एक्सपर्ट बना देंगे। अभी तो पता नहीं अंधेरे में क्या दिख रहा होगा, बट पतझड़ का मौसम है पतझड़ का मौसम है। और इसके बाद बहुत सुंदर सा ना, जब यहाँ पे गर्मी का आएगा ना, तो फूल वूल आते हैं इस पे। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना, बहुत ही अच्छा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ है। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो पूरा फुल टाइम आपको, और सपोर्ट है। आपको पता है हर इवनिंग में एक टीचर यहाँ रुका हुआ रहता है, ठीक है। वो आपको पर्सनल ट्यूशन की तरह सब कुछ बताएगा, जैसा आप जो चाहते हो ना वो आपको समझाएगा, पूरा टाइम देगा। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं आप उसको बैठा ही लो, बैठ जाते हैं वो आपके बगल में, समझ गए। और आपका ही मन नहीं है पढ़ने का तो आपको कोई पकड़ पकड़ के तो पढ़ाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी 8 बजे तक रहते हैं ना रात को, सबको एकदम पर्सनल ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। इस गली में जाते समय ना बड़ा डर सा लगता है, ये ब्रिटेन की बदनाम गली है। चलो देखते हैं कहीं मोबाइल वोबाइल ना छीन ले हमारा कोई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वाओ अंधेरे में क्या मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आज क्या खास है, दिवाली के बारे में मैं बता रहा था। पढ़ाई वढ़ाई तो चलो लगी रहेगी यार, है ना। आज खास ये है कि गुरुद्वारे में लंगर लगने वाला है, स्पेशल वाला, दिवाली स्पेशल। और आज हम जाएंगे लंगर में, ज़बरदस्त खाना खाएंगे, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है यार कि मैं लंगर में सिर्फ खाना खाने जाता हूँ, गुरुद्वारे में एक्चुअली मैं क्या ना, थोड़ा यहाँ पे माइंड जो है डिस्टर्ब सा हो गया ना, पढ़ाई वढ़ाई को लेके, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो थोड़ा वहाँ जाता हूँ 15-20 मिनट में बैठता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा फोकस जो है पढ़ाई से हट के पीसफुल हो जाता है। डैम इट कुछ बुक्स भूल गया यार, बुक लेने जाओ वापस। परिवार परिया
वाली थी, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया नॉट ओनली खाने पीने के लिए, जो कि हाँ यस खाना पीना मेरे लिए फ़िलहाल, मैं आपको बता दूँ जो लोग ना ये जो भी अभी ब्लॉग देख रहा है और उसको लगता है ना कि घर में खाना यार क्या मम्मी क्या वही बना दिया, ऐसा थोड़ा जब मन में आता है ना तो मैं मुझे याद कर लेना ठीक है। घर के खाने की इतनी याद आती है ना भाई, जब रोज़ बर्गर पिज्ज़ा अगर खाने को मिलने लग जाए ना तो पता चलेगा कि चौथे दिन बीमार पड़ोगे और उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा खिचड़ी खाने को ठीक है। इससे अच्छा है कि घर के खाने की थोड़ी इज्जत करना सीख लो। फिलहाल मुझे मत पूछो, मैं एक भी रोटी जब लंगर में खाता हूँ ना तो घर की इतनी याद आती है। तो आज दिवाली था, मज़ेदार खाना था, मज़ेदार बहुत ही अच्छा ठीक है। और क्या क्या था क्या बताऊँ, मतलब खीर थी, वो खीर ऐसी थी ना कि मुंह में घुल सी जाए, आइसक्रीम की तरह यार समझे, एकदम बटरी एकदम क्रीमी, हाँ बढ़िया वाला। दूसरा गाजर का हलवा था, स्वीट में स्वीट ही गिना रहा हूँ मैं ठीक है, आई एम अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट टूथ। और आज हमने साइकिल लेके आए हैं हम किसी की ठीक है, सो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, पूरी थी, चावल था, पुलाव, और काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी देर हम लोग बैठे थे वहाँ जो भजन कीर्तन चलता है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी समय बिताया हमने, आधा एक घंटा थे हम, आधा घंटा तो थे कम से कम यस, हाँ बिकॉज टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं लगा मैं कितने देर वहाँ पे था। एट द एंड हम लोग उठे जब सभी लोग ख़त्म हो गया था भजन, तब हम लोग भी उठे, फिर वो सभी लोग वो वहाँ पे कुछ तो मंत्र या कुछ जैसे समापन का कुछ एक अलग से कुछ होता होगा फ्रेज़ वैसा कुछ बोल रहे थे, अब मुझे वो तो समझ में नहीं आया, बट ऑल आई अंडरस्टूड वॉज कि कुछ एंडिंग फ्रेज है जो सब लोग एक साथ ही बोल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। आई होप सबकी दिवाली बेहतरीन हुई होगी ठीक है, सो आई विश यू ऑल हैप्पी दीपावली, आप सभी को सक्सेस हेल्थ हैप्पीनेस मिले, सक्सेस कम्स विथ हैप्पीनेस ठीक है, हैप्पीनेस नहीं है तो सक्सेस नहीं है ठीक है। एंड आई होप इस साल और आने वाले हर साल में आप सभी को हैप्पीनेस मिले। साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।